जी डिप्टी कमांडर, 12 आरएसी कमांडर द्वितीय आरएसी साहबान और उनके शुभारंभ की घोषणा आरएसी जयपुर नंबर पर नवी बटालियन आरएसी टॉप के द्वारा मंच को अपने उद्बोधन हेतु श्रीमान आरएसी द्वारा मार्च ये हाडी रानी बटालियन का सौभाग्य है कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हमें पीएचक्यू की तरफ से मिला है। ये 43वीं खेलकूद प्रतियोगिता है रेंज सेकंड की, जिसके अंदर 8 टीमों ने भाग लिया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसके अंदर अलग अलग टीमों के द्वारा अलग अलग खेलों में अपना प्रदर्शन किया जाएगा और फर्स्ट सेकेंड थर्ड को हम पारितोषित देंगे। इसमें कम से कम 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ये प्रतियोगिता अलग अलग मैदान में चंद्रवरदाई पटली स्टेडियम और 2-3 स्कूल्स हमने हायर किए हैं, जहाँ पे हम लोग स्विमिंग का, बास्केटबॉल का और वॉलीबॉल के मैचेस करवाएंगे। आज हाडी रानी की जो ये नारियल का कैंपस है, यहाँ पे आरएसी और आर्म बटालियंस की इंटरेंस टूर्नामेंट का शुभारम्भ हुआ है। ये 3 दिन का कार्यक्रम है। तो पुलिस विभाग में ड्यूटी के अलावा ऐसा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हर साल होते रहते हैं। इससे हमारे फिजिकल फिटनेस और लोगों का जो स्पोर्ट्स के प्रति जो लगाव है, इसको एक तराशने का मौका मिल जाता है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि पुलिस में और स्पोर्ट्स का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान पुलिस एक ऐसा पुलिस है जो आजकल जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो अच्छा काम किया है, इसको आजकल डायरेक्ट भर्ती भी कर रहा है। और हमारे पास यहाँ पे जो राजस्थान पुलिस की जवान है, अधिकारी है, जो मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में अच्छा करता है, इसको रेगुलर तरीके से विशेष पदोन्नति हम दे रहे हैं। तो ये मैसेज हम सभी को देना चाहते हैं कि जिसको भी रुचि है वो नियमित रूप से उसको प्रैक्टिस करे, आगे बढ़ने का कोशिश करे और खुद का, राजस्थान पुलिस का और राष्ट्र का नाम रोशन करे।